यान का बर्तन हम खाता के पहली हाँ पहले थाली भी है कि रतीर कचोड़ा भी ठोस या पूरो है हाँ ठोस तो ऐके हिंदा दीजी। ऐसे रिपिया अच्छा पहली यान का सिक्का चलता है। हाँ यहाँ का सिक्का सबका दादी जी थोड़ी अनपढ़ है इसलिए इनको पता नहीं है कि ये कितने के सिक्के हैं, तो मैं आपको बताता हूँ नंबर से। ये है 50 पैसे, जिसके पीछे की तरफ ये गांधी जी मंडी हुई हैं और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो मंडी हुई हैं। और ये सिक्का है लगभग 1947 से 1997 का सिक्का है। और ये 20 पैसे हैं, इसके इस तरफ भी गांधी जी मंडी हुई हैं। ये सिक्का है 1869 और 1948 के बीच का। ये सिक्का है 1869 से 1948 के बीच का। ये है 25 पैसे, जिसके कि इस तरफ सुअर मंडा हुआ है, सुअर की फोटो है। और ये 1994 का सिक्का है। और ये भी 25 पैसे का सिक्का है, जिसके कि इस तरफ अशोक चक्र मंडा हुआ है। ये तांबे का सिक्का है, पहले ऐसे ही सिक्के चलते थे पहले के ज़माने में। और ये बाकी के सारे 25 पैसे और वही है सारे। और 25 पैसे का सिक्का है जो कि तांबे का बना हुआ, और इसके पीछे की तरफ अशोक चक्र है। और ये लगभग 1972 के आसपास का है। ये है सबसे पुराना सिक्का जो अंग्रेज़ों के टाइम पे चलता था। और ये है 1898 का सिक्का है। और ये इस तरफ अंग्रेज़ की प्रिंस जो है उसकी फ़ोटो छपी हुई है। इस तरफ इसके अंग्रेज जो प्रिंस था उसकी फ़ोटो छपी हुई है। और ये इस प्रकार का दिखता है। तो चलिए इन चीज़ों से मैं आपको दोबारा रूबरू कराता हूँ, बताता हूँ आपको ये किस काम आती थी। सबसे पहले ये है, इसको मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं दादी जी इसको? इंडी इंडी बोलता है, मटकी मूसता है। हाँ, इसको ऐसे सिर के ऊपर रखकर और इसके ऊपर मटकी रखते हैं, जिससे कि वो घूटे नहीं, कूड़े पानी भरता। हाँ, और ये है रामजरा। हाँ रामजरा, ये पीतल का, तांबे का है, पीतल का, तांबे का। ये है तांबे का बर्तन है। पहले के ज़माने में ऐसे बर्तन चलते थे पानी पीने के लिए, इसमें इस तरफ से पानी डालते और इसके इस तरफ यहाँ पर जाली लगी हुई है। पहले पानी पाता इस। हाँ जान जी माता है, इसके इस तरफ जाली लगी हुई है जिससे पानी छनकर आता है। और ये इस तरफ ये इस प्रकार की पाइप लगी हुई है जिससे इसे इस प्रकार पानी पिया जाता। और ये है कांसी का कचोला। कांसी का कचोला, इसे कचोला बोलते हैं हमारे राजस्थान में। और ये ठोस है, ये भी तांबे का बना हुआ है। पहले के ज़माने में इन्हीं बर्तनों में खाना खाते थे। यही था ये की थाली, ये का एक कचोला। हाँ, ऐसी थाली होती थी और ऐसे कचोले होते थे एकदम पक्के। ये का एक गिलास होता और इसी के ही तांबे के ही गिलास होते, इनमें पानी पीते तो इनमें मीठा भी रहता है पानी। और ये है खेतों से खरपतवार हटाने का, मतलब कि खेतों से घास हटाने का है, जिसे हमारे राजस्थान में खुरपा बोलते हैं। इसे इस प्रकार घास को पकड़कर और इस प्रकार खोदा जाता है। और ये है छाजला पीसना कर पाका, नाज का पीसना कर चक्की में पीसता। इसके अंदर यहाँ पर नाज डालकर और इसे इस प्रकार फटकार कर पीसना करता, इसे नाज से अशुद्धि अलग की जाती। और क्या को बनेड़ा दादी जी? पूछा कि तुम्हें को बनेड़ो जाए हर ऊँट के बाद सुना दे टांका मारे डर ऊँट के बाद, मतलब ऊँट के खाल से। ये जो है हमारे राजस्थान में एक पेड़ होता है जिस जो हमारे ये होते हैं खेत की बाउंड्री के ऊपर उगता है, जिसे कुंचा बोलते हैं हमारे राजस्थान में। उसकी लकड़ी से बनाया गया है और ऊँट की खाल से, ये जो रस्सी है ये ऊँट की खाल से बनाई गई है, जिससे कि इसको गूंथ कर बनाया गया है। तो ये थी आज की वीडियो, आपकी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और ऐसे ही पुराने चीज़ों से संबंधित और पुराने रीति रिवाज से संबंधित वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम सर। राम राम।